Welcome to the website testyourprep.com. My name is Anuj and this is the second video on Vedic maths. In the first video, I told you how to find the squares of the numbers which are ending with 5. In this video, I will be telling you how to find the square of any random number. How to find the square of any random number. So, the process is very simple. I, You must all must be knowing uh, the squares up till 10. ठीक है जी जैसे वन का स्क्वायर इज वन टू का स्क्वायर इज टू थ्री का स्क्वायर इज नाइन फोर का स्क्वायर इज़ सिक्सटीन फाइव का स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन एट का स्क्र सिक्सटी फोर नाइन का स्क्वायर एट्टी वन एंड टेन का स्क्वायर इज हंड्रेड तो यहाँ तक तो ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेरी क्लियर सम ऑफ यू माइट बी लर्निंग दी स्क्यर्स अप टुल थर्टी ठीक है जी तो प्रेफरेबली एज अ ट्रेनर आई ऑलवेज से कि आपको थर्टी तक के स्क्र्स याद होने चाहिए बाय हार्ट बट इन केस यू डोंट फील लाइक डूइंग दैट तो हाउ कैन वी गो अबाउट इट तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए ध्यान से आई विल गिविंग एज एक्साम्पल हाउ टू फाइंड द स्क्यर ऑफ़ ट्वेल्व नाउ वी नो दैट द स्क्र ऑफ ट्वेल्व इज वॉट वन फोर्टी फोर वी नो दैट द स्क्र ऑफ ट्वेल्व इज वन फोर्टी फोर अब देखिए मेरे मेथड तो से आप कैसे निकाल सकते हैं इसको सो यूनिट डिजिट वट इज एट द यूनिट डिजिट इट इज टू सो वट एवर इज एट द यूनिट डिजिट जस्ट राइट द स्क्र ऑफ दैट हमने टू का स्क्वायर लिख दिया फोर यूनिट डिजिट पर क्या था टू था तो टू का स्क्वायर कितना हो गया फोर नाउ पूरे नंबर में पूरे नंबर में एट दिस यूनिट डिजिट पूरे नंबर में एट दिस यूनिट डिजिट सो ट्वेल्व प्लस टू ट्वेल्व प्लस टू विल बी वॉट फोर्टीन इनको कंकैटिनेट करके लिख दीजिए वन फोर्टी फोर इज़ योर आंसर वन फोर्टी फोर इज़ योर आंसर मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार पॉज करके इसको रिवाइंड करके देखिए दोबारा और थर्टीन पे खुद एप्लीकेट करके देखिए अगर नहीं क्लियर होता तो थर्टीन के लिए आगे मूव ऑन कर जाइए अब अगेन यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है थ्री यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है थ्री सो थ्री का स्क्वायर वुड बी नाइन अब होल नंबर होल नंबर कितना है थर्टीन थर्टीन में एड थ्री थर्टीन में एड थ्री सो थर्टीन प्लस थ्री विल बी वॉट सिक्सटीन तो आप देख सकते हैं द स्क्वायर ऑफ थर्टीन इज वन सिक्सटी नाइन स्क्वायर ऑफ थर्टीन इज वन सिक्सटी नाइन नेक्स्ट लेटेस्ट दिस फोर्टीन अब देखिए फोर्टीन का एग्जाम्पल फोर्टीन का एग्जाम्पल थोड़ा ट्रिकी रहेगा ध्यान से समझेंगे इसको यूनिट डिजिट फोर का स्क्वायर फोर का स्क्वायर इज सिक्सटीन अब आप देखिए इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द स्क्वायर ऑफ द यूनिट डिजिट इज कमिंग इन टू डिजिट इट आप पिछले दो केसेस में देखिए ट्वेल्व और थर्टीन में स्क्वायर ऑफ टू वॉज फोर विच वॉज सिंगल डिजिट नंबर द स्क्वायर ऑफ थ्री वॉज नाइन विच वॉज अगेन अ सिंगल डिजिट नंबर बट ओवर हेयर यहाँ पर क्या हुआ द स्क्वायर ऑफ़ फोर इज सिक्सटीन स्क्वायर ऑफ़ फोर इज सिक्सटीन तो हमने वो लिख दिया गोइंग बाय द प्रोसेस फोर्टीन प्लस फोर फोर्टीन प्लस फोर कितना हो गया आपका एटीन अब देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है मैं एटीन को एक प्लेस छोड़ के लिखूंगा ऐसे मैं एटीन को एक प्लेस छोड़ के लिखूंगा ऐसे और इन दो नंबर्स को क्या कर दूंगा ऐड इन दो नंबर्स को क्या कर दूंगा ऐड सो माय आंसर वुड बी 196 एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ पे दोबारा रिवाइंड करके देखिए इसको वन सीट इज क्लियर तभी आगे मूव ऑन करिए मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ सेवनटीन का स्क्वायर अब सेवन का स्क्वायर वुड बी फोर्टी आप देख सकते हैं दो प्लेसेस पे आ रहा है ये फिर से इट इज टू डिजिट नंबर सो सेवनटीन प्लस सेवन सेवनटीन प्लस सेवन इज वॉट ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर को एक प्लेस छोड़ के लिखेंगे हम लिख दिया हमने यहाँ पे और दोनों को ऐड करेंगे सो माई आंसर बिकम्स वॉट टू एटी नाइन एक बार वीडियो को पॉज करके दो चार एग्जांपल्स अपने आप को दीजिए जैसे 18 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर आप निकालिए वंस कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट तभी वीडियो के साथ आगे मूव ऑन करेंगे अब आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ के अंदर अब देखिए मैं आपको आगे की सीरीज का समझा रहा हूँ जैसे ट्वेंटी वन का एग्जाम्पल लिया है मैंने थर्टी फोर का एग्जाम्पल लिया है मैंने फोर्टी सेवन का एग्जाम्पल लिया है मैंने फिफ्टी सिक्स का एग्जाम्पल लिया तो एक एक करके डिफरेंट सीरीज है इनकम स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं ठीक है जी अब वन का स्क्वायर वुड बी वन जो हम पहले कर रहे थे उसके बाद हम क्या कर रहे थे पूरे नंबर में पूरे नंबर में यूनिट प्लेस को ऐड कर देते थे तो ट्वेंटी वन प्लस वन कितना हो गया ट्वेंटी टू अब अगर मैं ट्वेंटी टू को ही उसके आगे लिख दूँ तो इट विल बिकम वॉट टू ट्वेंटी वन विच विल बी रॉन्ग विच विल बी रॉन्ग क्योंकि हमें पता है कि ट्वेंटी का स्क्वायर ही कितना होता है फोर हंड्रेड तो ट्वेंटी वन का स्क्वायर डेफिनेटली फोर हंड्रेड से ऊपर होगा बट इस केस में मेरा आंसर कितना आ गया टू ट्वेंटी वन विच इज़ लेस देन फोर हंड्रेड सो हाउ डू वी करेक्टेड कैसे इसको ठीक करेंगे अब हम अब आप देखिए ये ट्वेंटी टू जो आपका आया था यहाँ तक का प्रोसेस बिल्कुल सही था आपका तो अब आप क्या करेंगे आप यहाँ पे सीरीज़ देखिए सीरीज़ किसकी है ये नंबर्स किसका है ट्वेंटीज़ का यानी कि टू से शुरू हो रहा है तो जो आपके पास ऐड करके आया था उसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्वेंटी टू इंटू टू कितना होता है फोर्टी फोर अब इस फोर्टी फोर को अगर मैं कंकैटिनेट करके लिखूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा फोर फोर्टी वन मेरा आंसर कितना आ जाएगा फोर फोर्टी वन आई होप सबको ये क्लियर होगा एक बार यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके इसको रिवाइंड करके दोबारा देखिए वंस इट इज़ क्लियर एंड मूव ऑन टू दी नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम थर्टी फोर के ऊपर सो फोर का स्क्वायर कितना आ गया जी सिक्सटीन विच इज़ अ टू डिजिट नंबर विच इज अ टू डिजिट नंबर तो थर्टी फोर प्लस फोर कितना आ गया जी आपके पास थर्टी एट थर्टी फोर प्लस फोर इज थर्टी एट अब यहाँ पे इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे ये सीरीज किसकी है थ्री की ये सीरीज किसकी है थ्री की सो so इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम थर्टी एट इंटू थ्री विल बी वन ट्वेंटी माइनस सिक्स कितना बन गया आपके पास ये वन वन फोर वन वन फोर तो वन वन फोर को हम यहाँ पे लिखेंगे और इसमें ऐड कर देंगे सो माई आंसर विकम्स वॉट वन वन फाइव सिक्स वन वन फाइव सिक्स ठीक है जी एक बार फिर से वीडियो को यहाँ पॉज करिए अगर क्लियर नहीं है डोंट मूव अहेड ठीक है जी दोबारा देखिए तभी क्लियर होगा तभी आगे मूव ऑन करिए अब फोर्टी सेवन का स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे सेवन का स्क्वायर होगा बेटे कितना फोर्टी नाइन अब फोर्टी सेवन प्लस सेवन विल बी वॉट इट विल बी फिफ्टी फोर फोर्टी सेवन प्लस सेवन इज फिफ्टी फोर सो फिफ्टी फोर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे फोर से दैट वुड बी वॉट टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन तो टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन को यहाँ पे हम लिखेंगे और ऐड कर देंगे इसको ऐड करते हैं तो कितना बनेगा नाइन टेन टू टू ज़ीरो नाइन विल बी माई आंसर अगर आपको क्लियर हो गया है तो आगे मूव करिए नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देखिए लेटेस्ट ट्राई विद द स्क्वा सिक्स तो सिक्स का स्क्वायर वुड बी थर्टी सिक्स सिक्स का स्क्वायर वुड बी थर्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स प्लस सिक्स विल बी सिक्सटी टू अब ये कितना हो गया 62 62 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से जब 62 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 310 310 इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास मेरा आंसर कितना आ गया 3136 वन आई होप सबको क्लियर हुआ है ये कि डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के अंदर हम कैसे उनके स्क्वेयर्स निकाल सकते हैं एक बार वीडियो को यहाँ प्रॉस करिए अपने आप को एक रैंडम नंबर्स दीजिए उनका स्क्वायर निकालिए क्रॉस वेरीफाई करिए वंस यू आर गेटिंग द आंसर्स करेक्ट देन ओनली मूव अहेड ऑफ दिस वीडियो नेक्स्ट अब अगर हमने एक और एग्जाम्पल देखना हो जैसे एटी का स्क्वायर एटी का स्क्वायर अब एटी का स्क्वायर एट का स्क्वायर वुड बी सिक्सटी फोर एट का स्क्वायर वुड बी सिक्सटी फोर एटी एट प्लस एट वुड बी नाइनटी सिक्स अब 96 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से क्योंकि 9 8 के सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे सो दिस विल बिकम 720 ट्वेंटी प्लस फोर्टी एट दैट इज सेवन तो यहाँ पे हम 768 को ऐड करेंगे लेट अस ऐड दिस दिस विल बिकम 7744 7744 याद रखना 7744 सेवन फोर फोर इज़ द ओनली फोर डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वेर एंड हैविंग फर्स्ट टू डिजिट सेम एंड लास्ट टू डिजिट सेम ठीक है जी सेवन सेवन फोर फोर जो है अकेला ऐसा फोर डिजिट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और जिसके फर्स्ट टू प्लेसेज और लास्ट टू प्लेसेज है वो सेम है इसके बेसिस पे कैट में क्वेश्चन आ चुका है दैट इज फॉर कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट ठीक है जी अब आप देख सकते हैं हम सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं ऑन ए थ्री डिजिट नंबर ऑल्सो ठीक है जी कैसे अब टू का स्क्वायर वुड बी फोर वन जीरो टू प्लस टू वन जीरो टू प्लस टू दिस बिकम्स वन जीरो फोर वन जीरो टू प्लस टू बिकम्स वन जीरो फ़ोर तो अब यहाँ पे जो सीक्वेंस है घबराने वाली बात कोई नहीं है सीक्वेंस क्या है यहाँ पे टेन का तो जस्ट मल्टीप्लाई दिस नंबर विद टेन सो दिस बिकम्स वॉट वन जीरो फोर ज़ीरो ठीक है जी और इनको अगर हम ऐड कर दें तो इट विल बिकम वॉट वन जीरो फोर ज़ीरो फोर इट विल बिकम वन ज़ीरो फोर ज़ीरो फोर ठीक है जी एक बार इसको दोबारा रिवाइंड करके देखिए अगर डाउट है तो दोबारा देखिए इसको वंस इट इज क्लियर देन ओनली मूव अहेड अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टू वन टू का स्क्वायर निकालना है मुझे सो टू का स्क्वायर वुड बी फोर टू का स्क्वायर वुड बी फोर टू वन टू प्लस टू दिस बिकम्स टू वन फोर two, one, two, two. Two, one, अब टू वन फोर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी वन से जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो हम यहाँ पर लगा देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे ठीक है जी आई होप अब टू वन टू इंट टू दिस कैसे कर सकते हैं हम टू वन फोर ट्वेंटी वन को लिख सकते हैं ट्वेंटी प्लस वन सो मल्टीप्लाइंग दिस दिस विल बिकम फोर टू एट जीरो प्लस टू वन फोर तो यहाँ पे अगर हम टू वन फोर को ऐड करते हैं सो दिस विल बिकम फोर फोर नाइन फोर और सिंगल डिजिट नंबर है तो यहाँ पे अगर हम लगा देंगे तो माई आंसर वुड बिकम वॉट फोर फोर नाइन डबल फोर आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा इसकी प्रैक्टिस करने के लिए अपने आप को रोज़ एक रैंडम नंबर्स दीजिए पाँच से पाँच से सात नंबर्स दीजिए टाइम प्रेशर में उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए वंस यू आर डन तो डेफ़िनेटली आपको स्क्वेयर्स में और कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलेगी ठीक है जी इसको और आगे प्रैक्टिस करिए थैंक यू